नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षद हैं अपर्णा गोयल जी। भारत टीवी परिवार, सबसे पहले तो क्योंकि अभी हाल ही में हमारे बीच में इनके सुपुत्र, हमारे बड़े भाई अक्षत जी नहीं रहे, उनके लिए भारत टीवी परिवार श्रद्धांजलि देता है और ईश्वर से हम ये दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनको ईश्वर अपने चरणों में जगह दें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि कहने वाली बात भी है, इंसानियत इसमें ये दिखाई देती है कि उनके जाने के बाद वो फिर भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनकी आंखें डोनेट की गई। बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी हो ही जाना है, कभी समय किसी का कुछ नहीं पता। आज राजनीति की बातें करने से पहले मैम से ये जानेंगे कि हम जब तक हैं या हमारे बाद, किस तरीके से अंग दान कितना ज़रूरी है इंसानियत के तौर पर। मैम, आंखें दान की आपने, सबसे पहले हिम्मत की बात है कि आप जनता की सेवा के लिए वापस कार्यालय में आई हैं। अभी एक महीना लगभग तिथि के हिसाब से हुआ है और फिर भी आपने ये देखा कि जो जनता है आईपी एक्सटेंशन की, वो मेरा बेटा है, वो मेरे बच्चे हैं, क्या कहेंगी? नमस्कार, सबसे पहले मैं भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने आज अपने चैनल के माध्यम से मेरे दिवंगत पुत्र अक्षत को, जो मात्र 29 वर्ष का था, उसे श्रद्धांजलि दी। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। और हाँ, हमने उस दुख की घड़ी में भी ये सोचा कि शरीर के नश्वर शरीर के जाने के बाद भी यदि कोई अंग किसी व्यक्ति के काम आ जाए तो उसको दे देना ही उचित होता है। इसीलिए हमने अपने बेटे की आंखें दान की, क्योंकि हार्ट फेलियर में बाकी अंग काम करना बंद कर देते हैं लेकिन आंखें फिर भी रह जाती हैं। तो उसकी उन दो आंखों से 8 लोगों को रोशनी मिली है, 8 परिवारों में प्रकाश हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से, सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि सिर्फ नेत्रदान ही नहीं, अंग दान करना भी चाहिए, क्योंकि ये अंग किसी मशीन में नहीं बनते। और इन अंगों को जो, जब शरीर हमारा ख़त्म हो जाता है, नश्वर हो जाता है, तो किसी उस व्यक्ति को दें जो उसकी बहुत ज़रूरत हो। और मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूँगी कि कम से कम नेत्रदान का आप प्रण अवश्य लें। सर, प्रण ना लें, वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, अपने परिवार वालों को बता के रखें कि मेरी आखिरी इच्छा ये है। मैम, इस समय पर दिल्ली के अंदर अगर बात करें, 26 जनवरी पवित्र दिन, त्यौहार हम भारतीयों के लिए, और लाल किले पर कुछ इस तरह की घटना घटित हुई जो शर्मिंदा करने पर हम लोगों को मजबूर करती हैं, क्या कहेंगी इस दंगे के बारे में जो ये सब हो गया? देखिए, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, हमारे देश का गौरव, पूरा विश्व उस दिन देश को देखता है। और उस दिन पर कुछ अराजक तत्वों ने, जो किसानों का नाम रखकर आए थे, हमारा भारत का किसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, हमारे किसान को फसल उगाने से ही फुर्सत नहीं होती, वो ये सब अराजकता कैसे करेगा। उन लोगों ने जो गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर जिस भी रंग का झंडा फहरा दिया, जो पताका फहरा दी, मैं नाम लेना नहीं चाहती, आप लोगों को मालूम ही होगा, वो बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। उससे भी ज़्यादा निंदनीय वो लोग हैं, निंदा के पात्र, जो उन अराजक तत्वों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो राजनीतिक पार्टियां जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको अभी भी बढ़ावा दे रही हैं, अभी भी कवर अप कर रही हैं, तो ऐसे लोग जिन्हें लोकतंत्र का सही मतलब ही नहीं मालूम है और वो उसको लोकतंत्र की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उन राजनीतिक पार्टियों को अपने अंदर झांक के सोचना पड़ेगा कि आप भारत के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इतने सम्मान और गौरव का विषय जिसे पूरे विश्व में आपने शर्मिंदा कर दिया कम से कम। और मैं तो कहूँगी, कल ही मैं टीवी देख रही थी, राहुल गांधी जी खुलेआम मंच पर आ गए हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप 1 इंच भी पीछे ना हटें, हम भी किसानों के साथ हैं। राहुल गांधी जी, आप चैनल के माध्यम से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक प्रतिनिधि, हम मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी, सब हमारे राष्ट्रपति जी, सब किसानों के साथ हैं। सिर्फ आप किसानों के साथ हैं ऐसा बताने जताने की आवश्यकता नहीं है, अगर ऐसा होता तो आप उन्हें सही सलाह देते। कृषि कानून किसी भी तरीके से उनके नुकसान के लिए है ही नहीं। मैम, MCD की बात करें, 19 तारीख से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आपका सबसे बड़ा दायित्व होता है क्षेत्र में सफाई कराना, कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे उन लोगों को बता पाएंगे कि भाई मजबूरी कहाँ है? देखिए, जहाँ तक कविता जी, मुझे लगता है हमारा MCD का नागरिक बहुत जागरूक है जी, उसको पता है, क्योंकि जब हम, हमारी पूरी दिल्ली के तीनों महापौर और हम पार्षद केजरीवाल जी के घर के सामने जाकर बैठे थे, तो यही यूनियंस आई थी हमारे पास सपोर्ट करने, समर्थन पत्र दिए थे, इन्होंने लिखित में दिए थे। तो मैं ये नहीं मानती कि ये जागरूक नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी अपनी मजबूरियां हैं,
और उन मजबूरियों को देखिए, लोकतंत्र में एक ही रास्ता होता है कि आप अपनी बात को आंदोलन से कह सकते हैं, और वो वही रास्ता अपना रहे हैं। फिर भी मैं उनसे आग्रह करूँगी कि जल्द से जल्द अपने आंदोलन को ख़त्म करें और अपनी हड़ताल ख़त्म करके वापस काम पर आएँ, क्योंकि दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमराना अच्छी बात नहीं है, और इसका पूरा का पूरा दोष यदि कोई है, दोषी कोई है, तो केजरीवाल सरकार ही है। मैम जी, पैसे दिए होते तो आज ये हड़ताल नहीं होती, और केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा ही कर दिया, कूड़ा कूड़ा कर दिया। मैम, राम मंदिर जो अयोध्या का बन रहा है उसके लिए समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है, कैसे अपील करेंगी कि वास्तव में सही व्यक्ति तक वो दान पहुँच पाए? देखिए, सही व्यक्ति नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ मैं बीच में आपको रोक रही, कुछ फर्जी लोग भी आ रहे हैं जो रसीद बुक लेकर के आ रहे हैं, तो इससे आपको अवेयर करना है लोगों को। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कविता जी, जब कोई अच्छा काम निकलना होता है, चलना होता है, तो उसकी बुराइयां पहले आ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, जब नियम बनते हैं तो उसको तोड़ने के साधन भी लोग पहले निकाल लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने जानकार व्यक्ति को ही समर्पण निधि दें, आप किसी भी आने जाने वाले को न दें। यदि उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं तो कृपया आप समर्पण निधि बिल्कुल ना दें। और रसीद की कॉपी तो आपको तब मिलती है जब आप 2000 से ऊपर का दान करेंगे। अच्छा। नहीं तो कूपन है छोटे छोटे, जब भी आप कूपन जो होंगे, कूपन पे भी स्टैंप होती है, और हमारे यहाँ एक ऐप बन चुका है, आप जितना भी दान देते हैं सब उसमें लिखा जाता है, बिल्कुल उसको डिजिटली हम लॉक करते हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे देश की जनता बहुत ही अच्छी है, सहृदय है, धर्म के प्रति जागरूक है, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे रिक्शा वाला भी हो ना, वो भी चाहे 1 रुपये देना चाहे, वो देना ज़रूर चाहता है, 10 रुपये, 5 रुपये, मैं कहती हूँ जितना भी आपका शेयर आप देना चाहें आप ज़रूर दें, लेकिन हाँ, आप दें उसको जब आपके पास कोई आपका जानकार उस व्यक्ति को लेकर आए कि जी इनको समर्पण निधि आप दीजिए। जी मैम, ड्राई राशन किट आप वितरित कर रही हैं, कब से कार्यक्रम चलेगा और कैसे, क्या प्रोग्राम आपने? ये कार्यक्रम चालू है जी, और मेरे क्षेत्र में, मेरे वार्ड में 8 फरवरी का दिन निश्चित है जब हम ड्राई राशन किट अपने यहाँ बच्चों को बांटेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मिड डे मील के तहत सभी आने वाले बच्चों को खाना दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में अब स्कूल बंद है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उन बच्चों के हिस्से का राशन जो उनको दिया जाता था वो सूखे राशन के रूप में उनके अभिभावकों को दिया जाएगा।